फ्रेंड कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज ओसीओ जो आप मशीन देख रहे हैं, ओसीओ मशीन देख रहे हैं, एसआरटी के मशीन है। मैं हमेशा ये वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो ये फुल इंस्टॉलेशन हमने इसका किया हुआ है, अभी ये जस्ट नई आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके डब्बे रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इसकी फुल डिटेल, क्योंकि इसकी जो मेन्यू है आप इसको यूज नहीं कर पाते हैं, सारी चीजें बहुत कंफ्यूजन में रहती है, तो मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे ऑयल मिलेगी, जो इस तरीके की इसकी ऑयल रहती है, ये कंप्रेसर की जो ये ऑयल रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप की, यहाँ पे आप ये ऑयल को आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद आपको ये सारे, आपको कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये सब बहुत इजीली तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको पाइप को इसमें डाल देना है, ये पाइप यहाँ पे लग जाएगी, और फिर ये आप देख सकते हैं ये इसकी स्विच, जो इसकी पावर है सप्लाई, यहाँ से लग जाएगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड मैं सेकेंड आपको यहाँ पे एक पावर मिल जाएगा जो कि इसको पावर जनरेट करेगी, यहाँ पे आप इसको पावर को लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो इसको कनेक्शन करना है, आपको यहाँ पे मैं इसकी सप्लाइयाँ दिखा देता हूँ। इस तरीके की तीन पाइप आएगी आपके पास फ्रेंड, ये तीन एक कनेक्टर टाइप का होगा, यहाँ पे जॉइंट टाइप का, तो इसमें एक जाएगी आपकी वैक्यूम से आएगी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारी वैक्यूम से आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से वैक्यूम से आ रही है। दो, एक जाएगी हमारी यहाँ पे जाएगी लेमिनेट मशीन को जाएगी, एक जाएगी हमारी फ्रेंड ओसीओ मशीन की जाएगी, जो एक बबल को जाएगी, एक हमारी लेमिनेट को जाएगी। तो यहाँ पे तीन ये इनपुट है और दो आउटपुट है, जो कि आप इसको बहुत ईजिली तरीके से आप यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे इसकी पावर केबल की सॉकेट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैक्यूम पंप मशीन की, आप इसको बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारा इंस्टॉलेशन, ये जो बटन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये ऑन ऑफ के लिए है, इसको अब मैं सारा प्रोसेस अभी करके भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको अप करेंगे तो यहाँ पे ये चालू हो जाएगा, इसका पंप चालू हो जाएगा। तो ये हम फुल सेटअप हो चुका है फ्रेंड, ये अभी जस्ट यहाँ पे निकल करके और ये वीडियो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा, मैं यहाँ पे विद प्रैक्टिकली तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था कि आपको फर्स्ट क्या लगाना है, कहाँ पे क्या प्रोसेस करना है, ये सारा प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, ये देखिए डेमो अभी वो टच वर्क हो रही है, टच को काट दिया गया है, टच और डिस्प्ले को अलग कर दिया गया है, यहाँ पे टच भी लग रहा है। और उसके बाद फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको भी प्रैक्टिकल यहाँ पे दूंगा कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं सारा चीज। यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर और मेंटेन, क्योंकि काफी वीडियो में मैंने देखा है कोई भी यहाँ पे वैक्यूम लेमिनेशन और यहाँ पे टेम्परेचर कोई भी सेट करते हुए नहीं दिखा है, तो मैंने यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे जो वैक्यूम है 40 सेकंड कर लेना है, और यहाँ पे लेमिनेट 30 सेकंड कर लेना है, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन 20 सेकंड कर लेना है, और इसका जो टेम्परेचर है 45 सेकंड। टच कैसे करेंगे, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे टच करके आपको एक दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे टच करना है, तो देखिए यहाँ पे सेट का ऑप्शन आ जाएगा, ये मैं फिर से टच कर रहा हूँ, ये देखिए। तो आप यहाँ पे 40 कर लेंगे, 40 और इंटर को प्रेस कर देंगे, तो हमारा वो सारा एक एक करके सेलेक्ट हो जाएगा ये। और मैं इसको खोल के फिर भी दिखा देता हूँ आपको, और इसके बाद ये देख सकते हैं, इसके बाद हम इसमें टच एक आपको विथ डेमो करके भी दिखाएंगे। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो आपके लिए उसी मशीन के लिए लेकर के आया है, ऐसे ही आप बने रहेंगे, आपका जो कमेंट आएगा मैं उसके लिए वीडियो आपको फुल एक्सप्लेन के साथ लेकर के आता रहूँगा। क्योंकि आप मशीन तो ऑर्डर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे डेमो, ये टच चेक हो रहा है, टच चेक होने के बाद फ्रेंड्स इसको फटाक से हम यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे एक डेमो के साथ। तो फ्रेंड्स, इसको हमने सारे पावर्स को दे दिए हैं, तो इसको वैक्यूम को हम ऑन कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको वॉइस भी आ रही होगी, यहाँ पे वैक्यूम को हमने ऑन कर दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो वैक्यूम को हमने ऑन कर दिया है। अब उसके बाद ये वैक्यूम हमारा बनाएगा, और वैक्यूम बनाने के बाद सारा फ्रेंड्स जो हमारा ये अभी नीचे है, ये लेमिनेट मशीन अभी ऊपर आएगी, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे विद प्रैक्टिकल सारे कनेक्शंस हो गए हैं। एक आपका यहाँ पे तीन वायर जो होगा, एक फ्रेंड्स हमारा इनपुट होगा, और बाकी के दो हमारे वहाँ पे आउटपुट होंगे। ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, ये लेमिनेट मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, अब ये वैक्यूम बन रहा है फ्रेंड्स। अभी जैसे ही वैक्यूम बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम बन रही है, तो इस वैक्यूम को भी आप, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्विच देख रहे हैं आप, इसको ये जैसे आप इधर कर देंगे तो यहाँ पे उसकी एयर पास होने लगेगी, जैसे उसको कर देंगे एयर बंद हो जाएगी, और जैसे हमने उसको ऑन किया तो देखिए यहाँ पे हमारी एयर यहाँ पे मीटर में शो होने लगा है, और जो हमारा ये फ्रेंड नीचे था वो भी ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं। जैसे वो एयर बना लेगा वैसे ही ऊपर आ जाएगा, अगर यहाँ पे उसमें नहीं होगा फ्रेंड तो ऊपर ये नहीं आएगा और हमारा काम नहीं करेगा। तो अब ये थोड़ा हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद हम सारा प्रोसेस आपको भी करके दिखाएंगे, चालू हो रहा है। तो एक डेमो आपको लाइव प्रैक्टिकल, आप वीडियो में बने रहे, आपको लाइव डेमो करके आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, हमारी ओसी सीट यहाँ पे लग रही है। अब उसके बाद जब ये आपका वैक्यूम बंद हो, काम हो जाए, तो वैक्यूम को आप बंद कर दें, तो वैक्यूम बंद कर दीजिए। तो ये देखिए वैक्यूम को हम बटन दबा देंगे तो वैक्यूम हमारा बंद हो जाएगा, नहीं तो आपको उतना ही काम करना है जितना आपको ज़रूरत है फ्रेंड।
और आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसकी भी एक प्रॉपर क्लास होती है, हमारी ओसीओ के ऊपर भी एक प्रॉपर क्लास होती है। चलिए देखिए हमारा ये सीट लग चुका है, उसे सीट लग चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स हम इसको यूँ ऐसा रखेंगे और ये ऐसा रखने के बाद सिंपल इसे हम बंद कर देंगे। तो सेफ तरीके से हमारा वो हो चुका है, अब हमें सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये फ्रेंड हमारा इधर वैक्यूम आप देख सकते हैं, वैक्यूम चालू हो चुका है और ये भी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये काउंट का प्रोसेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे 40 सेकंड हमारा वैक्यूम बनाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके सामने लाइव डेमो दे रहा हूँ मैं आपको, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 40 सेकंड वैक्यूम बनने के बाद फ्रेंड्स ये 30 सेकंड इसको लैमिनेट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं लाइव ही आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही 40 सेकंड हो जाएगा उसके बाद 30 सेकंड ये वैक्यूम बनाएगा और अभी उसके बाद ये देखिए प्रेस कर रहा है, ये प्रेस हुआ, अब ये प्रेस करेगा 30 सेकंड तक प्रेस करेगा फ्रेंड्स, ये देखिए अभी जैसे 30 सेकंड प्रेस हो जाएगा तो उसको रिलीफ करेगा, वेंटिलेशन करेगा 20 सेकंड। तो मैं यहाँ पे जूम आउट करके सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ और अब देख सकते हैं 22 काउंटिंग स्टार्ट है। उसके बाद क्योंकि मैंने उसी इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये देखिए ये रिलीफ हो गया, अभी 20 सेकंड तक रिलीफ करेगा फ्रेंड आप देख सकते हैं। तो हमारा ये कम्प्लीट प्रोसेस हो चुका है, अब इसे हम निकालेंगे और निकालने के बाद ये देखिए फ्रेंड हमारा ये पंच हो चुका है, इजीली तरीके से पंचिंग हो चुकी है। अब हम इसे बबल में रखेंगे तो ऊपर वाली पन्नी को हम निकाल लेंगे, ऊपर वाली पन्नी को हम रिमूव कर देंगे। अभी हमारा बबल रिमूवर है तो बबल मिरर को हम ओपन करेंगे और हम इस तरीके से इस फोल्डर को इन कर देंगे, बंद कर देंगे। ये फुल बंद करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, टेम्परेचर को ऑन कर देना है और यहाँ पे सीधा सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमने इसको 3 मिनट के लिए किया है, आप 5 मिनट या 4 मिनट उसको सेट कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 मिनट की सेटिंग है और ये सारा चीज़ हमारा, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसर भी है और ये देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर यहाँ पे मीटर शो कर रहा है। तो चलिए अब ये हम इसको 3 मिनट के बाद वेट करते हैं, फिर 3 मिनट बाद आपको मिलते हैं। देख सकते हैं 3 मिनट की काउंटडाउन पूरी हो चुकी है, अब उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली प्रेशर डाउन हो रहा है यहाँ पे, अब हम इसे रिमूव निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं। तो फाइनली हम इसको ओपन करते हैं और ये फोल्डर जो हमने यहाँ पे आपको बन के दिखाया था, तो फाइनली आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा है लाइनिंग है, तो एक बार हम इसको और भी रख सकते हैं, बाकी ये प्रॉपर तरीके से काम हमारा हो चुका है 100%। तो ये आपको सामने हमने यहाँ पे लाइव करके दिखाया है आपको सारी चीज़ें भी, प्रैक्टिकल इसका डेमो भी दिया, इंस्टॉलेशंस भी आपको बताया, मैनुअल बताया कि आपको करना क्या है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।